बयाना में फिर से एसीबी समेत तीन एजेंसियों की संयुक्त बड़ी कार्यवाही चल रही है। पिछले 15 दिनों से ये जांच तीसरी बार चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बयाना रिको में एसीबी जीएसटी वन विभाग तीन एजेंसियों की जांच चल रही है। पत्थर का एक्स्ट्रा स्टॉक संबंधित दस्तावेजों की जांच चल रही है। पिछले दिनों एसीबी ने इस मामले में रूपवास थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अर्पणा चौधरी की गिरफ्तारी कर बरामद डायरी की जाँच की तो कई नेता अफसर पत्थर कारोबारी उद्योगपतियों के नाम सामने आए थे, जिसको लेकर बयाना रिको में आधा दर्जन गैंग मालिकों के नाम सामने आने से एसीबी की जांच लगातार चल रही है। एक सप्ताह पहले हुई जांच में 11 लाख रुपए और एक्स्ट्रा स्टॉक पत्थर जब्त किया गया। तब से पत्थर व्यापारियों में खलबली मची हुई है और एक सप्ताह तक बयाना रिको बंद रही थी। बयाना विधायक बंसीवाल ने सभी पत्थर व्यापारियों की मीटिंग लेकर उन्हें आश्वासन दिया, अपनी मशीनों को चालू करो, अगर आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। उसके बाद व्यापारियों ने दोबारा से अपनी पत्थर की मशीनें चालू करवाई। बताया गया कि क्षेत्र के बंसी पहाड़पुर बंद बरेठा के पहाड़ों से अवैध पत्थर को निकालकर ट्रैक्टर ट्रोलियों और ट्रकों द्वारा पुलिस प्रशासन की मिली भगत से रात के 12 बजे से सुबह 7 बजे तक बयाना रिको में पहुंचाया जाता है, जो इस पत्थर को पहुंचाने में कई पत्थर माफियाओं के हाथ होता है और पुलिस प्रशासन वन विभाग को हर महीने अवैध पैसे दिए जाते हैं, जिससे पुलिस पत्थर से भरे ट्रैक्टरों को बड़ी आसानी से थाने से आगे होकर निकाल देते हैं। इसी कारण जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। आज बताएंगे आज रिको एरिया में जो किस संबंध में आज ये टीम आई है आपकी? आइए, बयाना रिको एरिया में हमने 8 अप्रैल को ये स्टोन्स मिल्स के क्या नाम सील की थी, जिसको लेकर आज सील खोली गई है और इनका मेजरमेंट किया जा रहा है। तो आज एसीबी की टीम के साथ अरण्य और किन विभागों के अधिकारी आए? टीम के साथ जीएसटी टीम है जयपुर से, एसीबी टीम है, माइंस है और कुछ वरिष्ठ कर्मचारी हमने मदद के लिए बुलाए। झालावाड़ जिले के चौमेला